एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। तो बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे यूपी के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बातचीत करेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर उनकी नजरें यहां पर बनी रहेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगातार एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं और इसी के मद्देनजर एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा जाएगा अधिकारियों के साथ। तो आपको बता दें कि आज रेंज डीएम एसएसपी डीसी में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार को घेरा जाता है और ऐसे में आज शाम 7 बजे यूपी के तमाम अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा जाएगा, जहां पर यूपी के सभी अफसर मौजूद रहेंगे। सीएस एसीएस होम समेत सभी जोन के एडीजी वीसी में हिस्सा लेंगे। और आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। आदित्य, 7 बजे बताया जा रहा है जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। जी हाँ ऋतु, आज सीएम वृंदावन से जैसे ही लखनऊ आएंगे उसके 1 घंटे बाद ही यहाँ पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिले को जो मुख्य जिलाधिकारी होंगे उनके साथ में और एसएसपी के साथ में बैठक करेंगे और इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे साथ में और डीजीपी भी बैठेंगे। होली बिल्कुल नजदीक है, कुछ दिनों बाद ही होली है, इसके मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली हुई है। किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना होने पाए इसको लेकर के सावधानी बरत रहे हैं। आदित्य, क्या हम ये कह सकते हैं कि सीएनआरसी को लेकर जिस तरह से विरोध हमने पिछले कुछ दिन पहले यूपी में देखा था और अब चूंकि होली भी आनी है, होली का माहौल है और ऐसे में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, इसको लेकर भी यहाँ पर पहले से निर्देश यहाँ पर देने की कोशिश सीएम योगी की? जी हाँ बिल्कुल, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सीए का विरोध और उसके बाद जो दिल्ली के दंगे हुए थे उसके बाद हाई अलर्ट पर यूपी के लगभग 18 जिले चले गए थे और वो अभी भी अलर्ट मोड पर ही है लगभग, क्योंकि होली है, होली को लेकर के एहतियात विशेष बरते जा रहे हैं। इसी को लेकर के योगी खुद कमान संभाल रहे हैं और वो खुद सभी जिलाधिकारियों को और कप्तानों को, जिले के कप्तानों को निर्देश देंगे कि किसी भी तरह से कोई कोताही ना होने पाए, क्योंकि होली भी खेली जा रही होगी और उसका कहीं विरोध ना हो और उसको लेकर कहीं गुड़दंग ना हो, कोई बवाल ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।